बेंगलुरु में गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह हुई बारिश के चलते पूरे शहर में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से कर्नाटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में पानी लीक होने के चलते कई डोमेस्टिक फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। वहीं कई सड़कों में भी पानी भर जाने के चलते पुलिस को दूसरे रास्तों में ट्रैफिक को मोड़ना पड़ा। 9 मई की रात बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होने से एयरपोर्ट के टर्मिनल्स में पानी का रिसाव होने लगा और 13 डोमेस्टिक फ्लाइट्स, 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स और 1 इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट को चेन्नई डायवर्ट करना पड़ा।